दिल्ली विद्यापीठामध्ये एबीव्हीपीनं आज तिरंगा मार्च काढला. रामजस महाविद्यालय ते विद्यापीठाच्या कला विभागापर्यंत हा तिरंगा मार्च काढण्यात आला. यावेळी जवळपास 160 फूट लांब तिरंगा घेऊन एबीव्हीपीनं AISA कार्यकर्त्यांनी लगावलेल्या देशविरोधी घोषणाबाजीचा निषेध केला. रामजस कॉलेजमध्ये AISF विद्यार्थी संघटनेतल्या उमर खालिद यांचं भाषण ठेवल्यावरून या वादाला सुरुवात झाली होती. त्या घटनेवरून दोन्ही विद्यार्थी संघटनांमध्ये हाणामारीसुद्धा झाली होती. बाहर की ताकतें जिस किसी जेएनयू में देश के खिलाफ में नारे लगाने के लिए कोशिश करती थी, ये देश के लिए दुर्भाग्य था. और ऐसी बातें दोबारा ना हो इसलिए सरकार ख्याल भी रखती है, लेकिन छात्रों ने भी इस बात को सोचना चाहिए कि जिस देश में हमारा जन्म हुआ है वो देश में हमने देश के हित में सोचना चाहिए. ठीक है किसी ने किसी को धमकी दी है तो मैं पुलिस को सूचना दे चुके हम लोग कि अगर किसी ने थ्रेट आ रहे फोन पे धमकियां मिल रही है तो जांच होनी चाहिए.